अपने निर्णायक बन रहे। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी होती है कि हम हर चीज के निर्णायक खुद बन जाते हैं, हम जज होते हैं, हम जीवन को दर्शक के रूप में कभी नहीं जीते, और यही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण। हम अपने जीवन को अहम के साथ जीते हैं, हम जज हैं। जज का मतलब पावरफुल व्यक्ति, वो किसी को भी सजा दे सकता है जो भी उसको बोल रहा है। तो आप अपने जीवन में जज बने रहते हैं, आप हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, और वो कभी होता है कभी नहीं होता। अगर हो गया तो इच्छा एक नहीं होती, अनेकों होती। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी सुखी होना संभव ही नहीं है जो इच्छाएं रखता हो। और इच्छाएं रखना आवश्यक है, हर व्यक्ति को इच्छाएं रखना चाहिए, पर इच्छा रखते हुए फिर खुश कैसे रहें? तो इच्छा रखते हुए ऐसे खुश रहें कि आपको इच्छा तो है घर के बाहर जाने की, पर आप जा नहीं सकते। आप क्या हैं? आपसे पूछा जाए कि दुखी नहीं कि खुश नहीं, तो आप कहेंगे अंदर खुशी नहीं, कि अंदर है सेफ है, बाहर तो भाई बहुत खतरा है, जाना खतरा। क्यों? आपको बाहर जाने की खुशी से बड़ी एक डर दिखाई दे रहा है, मौत, इस कारण आप घर से बाहर नहीं जा रहे, और इस कारण आप कह रहे खुश हैं। तो आप घर में खुश नहीं, मौत के डर के कारण है, आप अभी भी डर में हैं। हमारी सरकार कह रही है कि आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, वो आवश्यकता है, क्योंकि अगर निगेटिविटी रहेगी तो घर में जो ऊर्जा होगी वो भी नकारात्मक होगी, और आपस के जो मेल भाव हैं वो कम होंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी कम होने लगी। सभी वही चीज सोच रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, सब निर्णायक क्षमता सबके पास है, सब निर्णय ले रहे हैं पूरा। वही मैं चीज कह रहा हूं, अगर आपके कहने से ये देश चलता होता तो आप प्रधानमंत्री नहीं होते। देश उसके कहने से या उसकी टीम की कहने से, ईश्वर ने आपको दर्शक बनाया है तो दर्शक बनिए। आप न्यूज एंकर मत बनिए, आप मिनिस्टर मत बनिए, आप प्राइम मिनिस्टर मत बनिए। और दर्शक का काम क्या होता है? जितनी देर पिक्चर देखना है देखिए, पैसे वसूल करे जाते हैं। जब टिकट ली जाती है तो टिकट लेने में तो आप पूरे वसूल करते हैं कि वहां जितना अच्छा माहौल बने, कोई छोटा सा कॉमेडी का सीन आया तो बहुत खुल खिला के हंसते हैं। और घर के जब टीवी में वो आ रहा होता है क्योंकि वो पूरे समय मिल रहा है आपको, तो उससे खुश नहीं हो पाते हैं, वो आपके लिए नॉर्मल। बदलाव आपको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, और प्रकृति का यही नियम है। बदलाव प्रकृति का नियम है, हर चीज बदलेगी। वो ऐसी बदलेगी, ऐसी बदलेगी, ऐसी बदलेगी, कैसी बदलेगी आई डोंट नो। कहते हैं कुछ चीज की, जैसे पहले जमाना था बेल बॉटम का, फिर बेल बॉटम का आ गया, पहले दाढ़ी रखने का था फिर दाढ़ी का आ गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज। चेंजेस होंगे, कैसे होंगे आई डोंट नो, बट प्रकृति का ये नियम ही है, हर चीज बदलेगी, मौसम भी बदलेगा, और हमें वैसे बदलना ही होगा। और हम बदलते हैं, हम हंस के बदले या दुखी होकर बदले, सिंपल सी बात है।
आपको भूख लगे या नहीं लगे, जीने के लिए खाना है, पानी पीना है, वो खाते और पीते हमेशा हमें मिलता नहीं, हमेशा हमें ऐसा बोल नहीं सकते कि हर खाने से पसंद। और अगर आप हर खाने से पसंद तो आपने जो उतार के अलग रख दिया, अब ज्ञान रूप में आ गए, सच्चाई में हर चीज के दिखावे में इस समय घर में शोर नहीं है कि ऊपर डाइनिंग में बैठ के नहीं खा सकते। इस समय कोई आपके देखे घर देखे, हमने ये सब किया किस लिए है? दिखाने के लिए, इतना बड़ा टीवी दिखाने के लिए। आप क्या कहेंगे, नहीं बड़ी स्क्रीन में देखना अच्छा। जब आपके पास बड़ी स्क्रीन का टीवी नहीं था तो आपने दूसरे के पास बड़ी स्क्रीन का टीवी जो उसने दिखावे के लिए लगाया था और वो सक्सेस हो गया, उसे कुछ देर के लिए प्रसन्नता भी मिली, अज्ञानता में प्रसन्नता मिली कि आपने देखा और फिर बस वो विज्ञान को लगे। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं। बस आपको ये विचार करना, देखिए क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बताने का तरीका अलग हो सकता है, आप सब चीज वो जानते हैं। कौन नहीं जान चाहता कि मैं प्रसन्न रहूं, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है। मैं आपको एक अच्छा सरल जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं, देखिए मैं वही चीज बताता हूं जो मैं अपने में अपनाता हूँ, जो मेरे में कमी है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे में भी कमी होगी, उस कमी के लिए मैं कभी नहीं दूसरे के लिए रोकता हूँ, ना कभी उसके लिए कह सकता, क्योंकि वो कमी जो मेरे में, तो मैं उस चीज का हक ही रखता रहने का। मैं वही चीज आपसे कहूंगा जिस चीज को मैं फॉलो करता हूँ, और वो मैंने आसानी से जब मैंने देखा कि ये चीज की जा सकती है, और उसके लिए मैं पागल नहीं हुआ कि मेरे को ये चाहिए आईएएस मेरे को बनना है, क्योंकि आईएएस बन तो जाएंगे, और आईएएस बनने का अभी तक जो दुनिया चल रही थी वही समय था, और वही आईएएस देखिए हम आपको संभाल कर रहे हैं, बाहर वही देखते हैं। ये समय जो मिला है, ब्रेक मिला है, ये जीवन जीने को लिए मिला है। हर व्यक्ति को इस समय बिल्कुल जीवन जीना चाहिए जिस तरीके से जीना चाहिए। आपको गाना गाने की, गाना गाइए, नाचिए बच्चों के साथ के। जिससे भी फोन लगाने की इच्छा हो लगाइए ना, क्या सोचना, क्या सोचेगा, कभी याद नहीं किया, देखेगा अरे वैसे कितना अच्छा है। इस समय किसी को लगाने का कोई बहाना नहीं चाहिए, और सामने वाले के पास भी तुरंत उसके लिए लाइन है। आप बोलना चालू करिए, वहां से भी तुरंत आंसर होगा। आप ऐसा बोलेंगे बस वाले जलता जाएगा, को रोना, पर उसका रोना ही रोइएगा, बात करिए, पॉजिटिव बात करिए, भाई को रोना जन्म है, आ गया यार, शांति है, इस समय तो घर में आराम कर रहे हैं, बढ़िया तुमसे बात करने का, और कहाँ बात कर पाते थे लोग, जमाने ये भी हो गए हर चीज के। देखिए मिर्च है, अगर नहीं डालते सब्जी में तो मजा नहीं आता, ज्यादा डाल देते तो तीखी लगती है। कोई भी हथियार है, बंदूक है, बॉर्डर में सिपाही अगर काम कर रहा होता है, बाहर जो सिपाही हमारा काम रक्षा कर रहा होता है, वो अच्छा ही का है, पॉजिटिव। और वही अगर कोई उग्रवादी लेता है तो वही चीज निगेटिव, क्रिमिनल के हाथ में आते वही चीज निगेटिव हो गई, और भक्त के हाथ में, देश रक्षक के हाथ में आते वही चीज पॉजिटिव हो गई। तो आपने देखा इंसान के हाथों में आके वो चीज नकारात्मक और सकारात्मक में कैसे बदली। बंदूक वही है, उसका कार्य भी मारने का है, उसका कार्य बचाने का है ही नहीं, मतलब उसका जो कार्य है, उसका गुण है
वो नुकसान पहुंचाने का ही है, क्योंकि बंदूक कभी फायदा नहीं पहुंचा सकती, आपकी जान बचा सकती है। कि आप बंदूक लेके निकल गए, आपको बंदूक के डर से कोई आप पे हमला नहीं, तो उसका नकारात्मकता होके भी हाथों में पहुंचने के बाद से कार बदल गया। मतलब वही मनुष्य सकारात्मक है तो सकारात्मकता का कार्य करने लगा, और कोई मुजरे में उसके हाथ में तो नकारात्मक, और नाम भी देखिए मुजरे नकारात्मकता का सर। पुलिस, हम लोग पुलिस का दोनों चीजें लेते हैं, नकारात्मकता का में भी और पॉजिटिव के में भी। अगर फौज की बात करें तो सब पॉजिटिव ही लेते हैं। अब पुलिस की जो हम नकारात्मकता और सकारात्मकता का देखी लेते थे, तो वो भी समय के कारण है। समय ऐसा हुआ कि हम जो नेगेटिव होते थे तो अब हमारी पुलिस के प्रति बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, वो कुछ परसेंट होंगे। तो देखिए इंसान है तो मूर्ख भी होगा, पागल भी होगा, एक तो इंसान को ही सर्वगुण संपन्न होने चाहिए। सब कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, वो कौन सी भी कला ले सकते हैं।